विश्व एड्स दिवस पर कैंसर यूनिट जिला चिकित्सालय एवं टीसीआई फाउंडेशन द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। विश्व एड्स दिवस पर जिला चिकित्सालय के कैंसर यूनिट ने टीसीआई फाउंडेशन एवं अन्य सामाजिक संस्था द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा व अंकित तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1988 से विश्व एड्स दिवस लोगों में जागरूकता लाने के लिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज जिला चिकित्सालय से एक जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें आम जनता को एड्स के बारे में जानकारी दी गई है। एड्स HIV एक लाइलाज बीमारी है और यह बीमारी गर्भवती महिला से उसके बच्चों को व ब्लड ट्रांसलेट करते समय एक मरीज से दूसरे मरीज तक फैलता है और अन्य आदि कारणों से यह बीमारी एक मरीज से दूसरे मरीज तक पहुंचती है। उसी की जागरूकता को लाने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए, प्रतिवर्ष के अनुसार आज 1 दिसंबर के दिन हम लोग एड्स दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का पर्पज़ भी आप सब लोगों को पता है, लोगों में जन जागृति पैदा करना है और लोगों को समझाना है कि एड्स नामक जो रोग है वो गंभीर है और इसका सावधानी ही इसका इलाज होता है। जो 2-3-4-5-6 कारण होते हैं कि माता से बच्चों में आता है, या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है, या सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मतलब जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की वजह से होता है, तो ये सावधानियां हम लोगों को जनरली समझाते हैं और इसके लिए हमने लोगों में जागृति भी पैदा करी है। प्रतिवर्ष हम रैली वगैरह का भी आयोजन करते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988 के बाद से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया है। जो लोग एड्स से ग्रसित हुए हैं उन लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो लोग शांत हुए इसमें उन लोगों को अवेयरनेस या उनको समझाने के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।